गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम लेके आए जो सैंपल क्वेश्चंस पेपर है स्टैंडर्ड 12 का, सब्जेक्ट फिजिक्स है आज का। इस साल आपको पता है कि 2020 में सिलेबस ओल्ड है 12th वाले के लिए और क्वेश्चंस पेपर का फॉर्मेट न्यू है, इसलिए क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा क्या आएगा किसी को भी पता नहीं है। क्वेश्चन पेपर कोई मार्केट में अवेलेबल नहीं है, लेकिन HSC बोर्ड में एक क्वेश्चन पेपर अवेलेबल करके दिया था, इसलिए वो क्वेश्चन पेपर मैं लेके आ रहा हूं ताकि ये पेपर सभी बच्चों के पास जाना चाहिए। इसलिए ज्यादा से ज्यादा 12th के बच्चे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सबको ये फायदा हो सके कि न्यू क्वेश्चन पेपर पैटर्न कैसा है। आपके फायदे के लिए एक्चुअल में, क्योंकि यहां पे ऑप्शन बहुत दे चुके हैं, मैंने इसके पहले एक वीडियो बनाया था फॉर्मेट के ऊपर, न्यू क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट। अब एक्चुअल क्वेश्चन पेपर ला रहा हूं मैं, क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन कैसे आने वाले है, एक यहां पे फॉर्मेट बनाया गया, मतलब क्वेश्चन पेपर बनाया गया है। और बच्चों मैं यकीन के साथ कहता हूं कि इसमें से नियर अबाउटली ऐसे क्वेश्चन पेपर ही आएगा, और इसी क्वेश्चन पेपर जो दे रहा हूं मैं उसमें से नियर अबाउटली 30% 35% क्वेश्चन आने की भी चांसेस होते हैं। तो 70 मार्क का क्वेश्चन पेपर है, जनरल इंस्ट्रक्शन दी गई है, आप लोगों को पढ़ना है जनरल इंस्ट्रक्शन। देखो दो क्वेश्चन पेपर ही डिवाइडेड इंटू द 4 सेक्शन, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। और यूज द टेबल अलाउ द कैलकुलेशन इज नॉट अलाउड, मतलब आपको कैलकुलेटर अलाउ नहीं है इसमें। फिगर इंडिकेट करना है, फुल मार्क देने वाले, फिजिकल कोई कांस्टेंट होते हैं, जैसे कि उन्होंने दिए कि जी की वैल्यू 9.8 है, एच की वैल्यू 6.62 × 10⁻³, ऐसे बहुत सारे वैल्यूज देंगे वहां पे। मैं क्वेश्चन कैसे आने वाले इसके पर मैं डिस्कशन करने वाला हूं। पहला ही क्वेश्चन हमारे लिए बच्चों, अभी सेक्शन ए, सेलेक्ट एंड राइट द करेक्ट आंसर, विच गेट करस्पॉन्डिंग द एक्शन ऑफ पैरेलल स्विच। आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में, इसके आंसर के ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा, तब तक मैं वेट करूंगा, क्योंकि इसके आंसर अगर अभी दूंगा तो आप आंसर नहीं दोगे। इसलिए होप है कि बच्चों आप सभी इसके आंसर कैलकुलेट करके या सर्च करके उसके आंसर मुझे आपको कॉमेंट बॉक्स में भेजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखो, इसमें द पर्सन ऑफ मास 55 kg एंड 65 kg रिस्पेक्टिवली आर द अपोजिट एंड ऑफ बोट, द लेंथ ऑफ बोट इज 3 meter एंड वेट 100 kg, द 55 kg मैन वर्क अप टू द 65 kg मैन इज सीट विद हिम, द बोट इज स्टिल द वाटर, द सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम इज सिप्ड बाय 3 meter, 2.30 और 0.25 meter। आपको देना है बच्चों आंसर इसका। ओके, मैं आगे बढ़ने जा रहा हूं अभी फिलहाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे लिए यहां पे, रेड शिफ्ट टेक्स प्लेस व्हेन द अपेरेंट वेवलेंथ रिमेन सेम, इंक्रीज, डिग्रीज, एदर ए और सी। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, अ 60 microfarad कैपेसिटर कनेक्टेड टू द 110 volt 60 hertz AC supply. The RMS value of current in circuit will be 2.89 ampere, 2 ampere, 9.1 ampere, 2.49 ampere. Fifth number ka question say, the numbers of wave superposed at a point resultant amplitude depend upon amplitude of each wave, phase of each wave, both A and B, neither A and B. Next question hai bachcho, a body is tied with the string and given the circular motion of velocity v is radius r, the magnitude of acceleration v by r, v square by r, v by r square, v square by r square. Photodiode is operated, no bias, forward bias, reverse bias, partly forward and reverse. Beam of metal supported the two end is loaded at the center. The depression at the center of proportional y square, BAY, CA 1 by y, DA 1 by y square. When charge of 3 coulomb is placed in uniform electric field, it explains the force of 3000 newton within this field. The potential difference between the two separated by distance 1 centimeter, 1 volt, 100 volt, 10.5 volt, 10 volt. ओके, नेक्स्ट है लास्ट का 9 नंबर का जो एमसीक्यूज है, राइस ऑफ वाटर ऑफ ग्लास कैपिलरी टू
will minimum at equator polar height of 100 kilometer, above the surface of earth, same at all places. Answer the following. एक मार्क के लिए वन लाइन में आंसर देना है बच्चों इसका आपको. वेयर डज द बॉडी वेट मोर, एट द सरफेस ऑफ द वाटर और इन माइंड? व्हाट इज द बीट ऑफ फ्रीक्वेंसी? सेकंड, थर्ड, एक्सप्लेन द साइन कन्वेंशन ऑफ क्रिचॉफ सेकंड लॉ. मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ 50 माइक्रोवेव इन लिंक विद द कॉइल व्हेन द करंट ऑफ 0.1 मिली एम्पियर फ्लो थ्रू इट. व्हाट इज द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल? Two metal P and Q have the work function 4 electron volt and 6 electron volt respectively. Which metal has the lower threshold wavelength of or photoelectric effect? Define the modulation and transducer. Find the radius of gyration uniform solid sphere about the diameter. Given the initum method to increase the sensitivity of galvanometer. बच्चों अगर आप सोचोगे तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है. थोड़ा सोचोगे तो, क्योंकि इसमें इतने इजी इजी क्वेश्चन दे वाले. अगर आपका जो चैप्टर हुआ है तो आप लोग चेक कर लेना. व्हाट इज द ब्रीफ फ्रीक्वेंसी? डिफाइन है, सिंपल से डिफाइन है. किरचॉफ लॉ के साइन कन्वेंशन बताना है, बस इतना इजी क्वेश्चन है. डिफाइन द मॉड्यूलेशन एंड टोन, मतलब डिफाइन के ऊपर भी इसके ऊपर क्वेश्चन आते रहते हैं. तो ध्यान देना है बच्चों आपको इस क्वेश्चन पे. नेक्स्ट है सेक्शन बी, 16 मार्क के लिए, मतलब 8 ही सॉल्व करना है. 12 क्वेश्चन रह चुके हैं आपको इसमें और 5 न्यूमेरिकल और 7 थ्योरी के ऊपर क्वेश्चन होंगे. 5 न्यूमेरिकल और 7 थ्योरी, 8 क्वेश्चन सॉल्व करना है. देखो क्वेश्चन नंबर 3, अ थिन रिंग हैज द मास 0.25 केजी एंड रेडियस 0.5 मीटर. कैलकुलेट इट मोमेंट ऑफ इनर्शिया. बहुत ही इजी क्वेश्चन है बच्चों. आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर. अगर आपका चैप्टर हुआ तो सॉल्व करके देखना और कमेंट बॉक्स में आंसर देना है. अगर नहीं आता तो मैं इसके ऊपर एक आंसर की बनाने वाला हूं, बिल्कुल इसके आंसर क्या होंगे क्या नहीं. ओके, एक्सिस पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड सर्कमफेरेंस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन. ओके, नेक्स्ट है इसके लिए आंसर डायमीटर का भी निकालना, मतलब इसमें 3 क्वेश्चन का आंसर निकालना है इसमें. क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट. बहुत इजी डिफाइन है बच्चों, 2 मार्क के लिए. एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, सरफेस टेंशन, फोर्स पर यूनिट लेंथ है ना, बाकी की थोड़ी लेंथ लिखना पड़ेगी. डिफाइन मतलब बहुत इजी क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 5, स्टेट द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी. सिग्निफिकेंस देने बस. मेंडेलिस एक्सपेरिमेंट. क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन द टेंशन इन द स्ट्रिंग 10 ग्राम वेट, उसको अगर न्यूटन में करना है तो 9.8 से मल्टीप्लाई करते पता होना चाहिए. 3 लूप्स आर ऑब्टेन. डिटरमाइन द टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग रिक्वायर्ड ऑब्टेन 4 लूप इफ ऑल अदर कंडीशन आर कॉन्स्टेंट. क्वेश्चन नंबर 7, स्टेट द प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा पार्टिकल. अल्फा, बीटा, गामा पार्टिकल, एटम, मॉलिक्यूल, न्यूक्लियर चैप्टर में देख लेना, आपको इसका आंसर मिलेगा. क्वेश्चन नंबर 8, कंपेयर द रेट ऑफ इमिशन ऑफ हीट ब्लैक बॉडी एट 727 डिग्री एंड 227 डिग्री. ड्रॉ द नीट लेबल डायग्राम, लेबल ब्लॉक डायग्राम, जनरल कम्युनिकेशन सिस्टम. ये हमेशा क्वेश्चन आता है बच्चों ड्रॉ द लेबल डायग्राम के ऊपर, इसलिए आपको थोड़ा उसके ऊपर फोकस करना है. बड़ी समझ में आ रहा है आपको. नेक्स्ट देखना है बच्चों हमारे लिए, स्टेट द एप्लीकेशन ऑफ सरपेटेशन. सरपेटेशन की एप्लीकेशन. ओके, क्वेश्चन नंबर 11, अ फ्लैट कर्व ऑफ हवे हैज द रेडियस ऑफ कर्वेचर 400 मीटर. कर राउंड द कर्व स्पीड 3.2 मीटर पर सेकंड. व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट्स ऑफ फ्रिक्शन? व्हाट विल प्रिवेंट कार फॉर स्लाइडिंग? ओके, इजी क्वेश्चन से बच्चों थोड़ा फोकस करते तो बिल्कुल क्वेश्चन पेपर बहुत इजी आने वाला है इस साल. क्यों? क्योंकि बच्चों आपको ऑप्शंस है, मतलब 12 में से 4 क्वेश्चन छोड़ना है, 8 सॉल्व करना है, तो ऑप्शन ही तो मिला ना हमको, इसके पहले ऑप्शन नहीं मिलते थे ऐसे. क्वेश्चन नंबर 12, डिस्टिंग्विश बिटवीन द पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर. बहुत इजी क्वेश्चन है. अगर आपका सेमीकंडक्टर चैप्टर हुआ है बोर्ड का या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस नीट जेडब्ल्यू वाले बच्चे करते होंगे तो उनके लिए बहुत सवाल अच्छी होगा ये. क्वेश्चन नंबर 13, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप रेजोनेंट विद द ट्यूनिंग फोर ऑफ फ्रीक्वेंसी 512 हर्ट्ज. द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर 340 मीटर पर सेकंड. निगलेक्टेड द एंड करेक्शन. ओके, ओपन पाइप के लिए फ्रीक्वेंसी कैसी होती है क्या होती है पता होना चाहिए आपको. मेरे ख्याल से स्ट्रिंग और इसकी सेम ही, अगर आपका स्टेशनरी हुआ SHM हुआ है तो.
14 नंबर स्टेट द प्रॉपर्टी ऑफ स्टडी इंटरफ्रेंस पैटर्न, प्रॉपर्टीज लिखना है बस, और वो भी कितने, चार लिखो, आधा आधा मार्क के लिए एक एक प्रॉपर्टीज आपको देंगे वो। सेक्शन सी अटेम्प्ट एनी एट, आठ क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको इसमें से, दे वाले कितने होंगे 12, 12 में से सात न्यूमेरिकल, पांच सॉरी सात केरी पांच न्यूमेरिकल। देखो स्टोन तीन मार्क के लिए एक सवाल है, थोड़ा लेंथी लिखना पड़ेगा पहले क्वेश्चन से, बी से, स्टोन इज वायर इन वर्टिकल सर्कल एट द एंड ऑफ द रोप ऑफ लेंथ 5 मीटर 0.5 मीटर सॉरी, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ स्टोन, लोएस्ट पोजिशन, मिड पोजिशन, टॉप पोजिशन इन जस्ट कंप्लीट द सर्कल, मतलब सर्कुलर मोशन में से आप लोगों को यहां पे फाइंड वेलोसिटी करना है। आपको पता है लोएस्ट पोजिशन पे होती है रूट ऑफ 5 rg, मिड पोजिशन 3 rg, हाईएस्ट पोजिशन पे rg रूट ऑफ rg। तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछे यार, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है इसमें, ओके जी की वैल्यू फिक्स है, ओके। 16 नंबर, अ स्टील वायर हैविंग द क्रॉस सेक्शन एरिया 1 mm² स्ट्रेच बाय 10 N, फाइंड द लैटरल स्ट्रेन प्रोड्यूस द वायर, लैटरल स्ट्रेन का फार्मूला यार बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर अपना इलास्टिसिटी अच्छा हो तो ये आपको बहुत इजी जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, टू डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट ऑफ द मेटल वायर मेटल रिंग आर कनेक्टेड विद द टू टर्मिनल ऑफ द लेफ्ट गैप ऑफ मीटर ब्रिज, इन द राइट गैप रेजिस्टेंस ऑफ 50 ओम is introduced. If the null point is obtained, the distance 40 centimeter from the left end. Find the resistance of wire, जो shape of the ring होगा. तो इसका मतलब बच्चों ये है कि यहाँ पे meter bridge कौन सा है? Meter bridge जैसे कहानी है meter bridge की, तो आपको पता है कि पूरी length जो होती है अगर आपका current electricity हुआ हो तो उसमें क्या करना आपको पता है? इसमें simple सी बात है बच्चों, कुछ ही नहीं करना है, सेंटीमीटर होती 100 तो 40 गए तो 60 बाकी रहेंगे इधर, तो फार्मूला होता R1 by R2 R3 by R1 या X by R LX by LR, ठीक है X निकाल सकते फिर, बहुत इजी कहानी है, मैं सॉल्व करके दूंगा टेंशन मत लेना, लेकिन पहले आपको कमेंट बॉक्स में आप खुद ढूंढोगे आंसर और मुझे आंसर दोगे, जो नहीं आंसर आएंगे मैं तो पूरे का आंसर दूंगा और आपको बाद में आंसर की चेक करना है। वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर एट रूम टेम्परेचर 340 मीटर पर सेकंड, सॉरी 18 नंबर का क्वेश्चन बाकी था, 100 टर्न रेक्टेंगल कॉइल 30 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 50 सेंटीमीटर प्लेस इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन 2×10⁻¹⁵ टेस्ला, द रेक्टेंगुलर कॉइल इज सस्पेंडेड बाय फॉस्फोरस ब्रोंजॉन फाइबर हुज द ट्विस्ट कॉन्स्टेंट इज 12×10⁻¹⁹ न्यूटन मीटर पर डिग्री, इफ द कॉइल इज डिफ्लेक्टेड 30 डिग्री, कंप्यूट नंबर वन निकालना है रेस्टोरिंग टॉर्क कितना होगा और करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल। अगर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आपका चैप्टर हुआ है तो इसका आप लोग आंसर दे सकते हो, ठीक है, बहुत इजी है भी क्वेश्चंस। वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर रूम टेम्परेचर, तब उसकी वेलोसिटी है 340 मीटर पर सेकंड, गॉट इट। लेंथ ऑफ एयर कॉलम इन पाइप 20 सेंटीमीटर, फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड ओवरटर्न इन पाइप व्हेन इट इज द क्लोज एट वन एंड एंड ओपन एट बोथ एंड हैविंग द सेम इनर डायमीटर ऑफ 40 सेंटीमीटर, ओके। नेक्स्ट है बच्चों, बायप्रिज्म एक्सपेरिमेंट शो दैट d इज इक्वल टू रूट ऑफ d1 d2 यूजिंग द कंजुगेटिव फोकाई मेथड, ड्रॉ द नेसेसरी डायग्राम, स्टेट द आइंस्टाइन इक्वेशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्ट ऑफ बेसिक ऑफ दिस इक्वेशन, आइंस्टाइन का इक्वेशन पता होना चाहिए, ओके। ये इलेक्ट्रॉन फोटॉन नाम के चैप्टर में जाके आपको देखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 22, एक्सप्लेन द रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रांसवर एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव फ्रॉम डेंसर मीडियम एंड रेयर मीडियम, वेव मोशन का चैप्टर है इसमें से करो ये। एक्सप्लेन द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी, प्रूव द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, यहां पे वेव थ्योरी ऑफ लाइट में जाके आपको ये क्वेश्चंस करना है। क्वेश्चन नंबर 24, ड्राइव एन एक्सपेरिमेंट फॉर एनर्जी स्टोर इन चार्ज कैपेसिटर एक्सप्रेस इन डिफरेंट फॉर्म 1/2 CV² 1/2 QV, ऐसे अलग अलग फॉर्म है एनर्जी के चार्ज, ओके। स्टोरेज कैसे करता है एनर्जी, इसके ऊपर ये सवाल है, इसको भी आपको अच्छी तरह से देख लेना है। फ्रॉम द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर SHM ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन
वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, पार्टिकल फॉर्मिंग, ये सचम। आपको ऑक्सीलेशन नाम का चैप्टर है, उसमें से आपको निकालना है डिफरेंशियल इक्वेशन से एक्सेलरेशन, ए इज इक्वल टू माइनस है ना एक्स ओमेगा स्क्वायर, वी इज इक्वल टू ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, इक्वेशन है। अगर आपका चैप्टर हुआ तो आपको समझ में आता होगा। 16 नंबर 26, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन ऑफ पीरियड ऑफ सैटेलाइट सर्कुलर ऑर्बिट राउंड द अर्थ। ग्रेविटेशन चैप्टर देखो, पीरियड ए टी इज इक्वल टू पाई स्क्वायर रूट ऑफ आर क्यूब डिवाइड बाय जी एम। इस सवाल पे आपको ये सवाल हल करना है। ओके, लास्ट का सेक्शन है डी सेक्शन बच्चों। ओके, डी सेक्शन में आपको एटम एनी थ्री पांच क्वेश्चन दी वाले, इसमें से तीन ही सॉल्व करना। इसमें एक बात समझ लो, दो मार्क की थ्योरी और दो मार्क का न्यूमेरिकल कंबाइन, ऐसे क्वेश्चंस तीन। नहीं समझ में आ रहा है? देखो मैं ये बता रहा हूं, दो मार्क की थ्योरी, दो मार्क का न्यूमेरिकल, ऐसे मिक्सअप क्वेश्चन तीन क्वेश्चन है। ठीक है, देखेंगे। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ डी बोर्गेलिस वेव है दो मार्क के लिए। अब ये प्रॉब्लम है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट फोर्थ बोर ऑर्बिट, फाइंड द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एटम ग्राउंड स्टेट माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन। देखो, एक्सप्लेन द टर्म इंडक्टिव रिएक्टेंस कैपेसिटी रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस किसको बोलते हैं? जो यहां पे इंडक्टर के कारण जो रेजिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं एक्स एल, कैपेसिटी एक्स सी बोलते हैं हम, अगर आपका ईएमआई चैप्टर हुआ तो। ओके, बाद में न्यूमेरिकल देखो। अ कॉइल ऑफ 200 टर्न ईच एरिया 0.02 मीटर स्क्वायर इज केप्ट इन यूनिफॉर्म फील्ड ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन ऑफ कॉइल, मैग्नेटिक इंडक्शन दी वाला, सॉरी, 4×10⁻²⁻ टेस्ला। इफ कॉइल रोटेट विद द स्पीड ऑफ 1200 आरपीएम रिवॉल्यूशन पर मिनट अबाउट एन एक्सिस इन द प्लेन ऑफ कॉइल एंड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक इंडक्शन, कैलकुलेट द पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ, आल्सो राइट द क्वेश्चंस ऑफ इक्वेशंस ऑफ ईएमएफ, ये निकालना है आपको। ठीक है, डिफाइन द सिंपल पेंडुलम। ठीक है, ये थ्योरेटिकली ऊपर क्वेश्चन है चार मार्क के लिए। देखो, डिफाइन द सिंपल पेंडुलम, शो दैट अंडर द सर्टन कंडीशन ऑफ सिंपल पेंडुलम परफॉर्मिंग लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। ओके, डिफाइन द इमिसिव पावर, ऑब्जर्वेटिव पावर, स्टेट द किरचॉफ्स लॉ ऑफ रेडिएशन एंड थ्योरेटिकली पुट। देखो, दोनों क्वेश्चन थ्योरेटिकली ऊपर डिपेंड है, दो थ्योरी और तीन क्वेश्चन मिक्सअप है। ओके, डिफाइन द इमिसिव पावर, ऑब्जर्वेटिव पावर, किरचॉफ्स लॉ ऑफ रेडिएशन, मतलब ये केटीजी नाम का चैप्टर है ना, उसके ऊपर क्वेश्चन है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन। क्वेश्चन नंबर 31, इन हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज रिवॉल्विंग इन ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर विद स्पीड वी, थ्रू दैट द मैग्नेटिक मोमेंटम एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय ईवीआर बाय 2। अभी न्यूमेरिकल, थ्योरेटिकली दो मार्क, न्यूमेरिकल के लिए दो मार्क। देखो, फाइंड द मैग्नेटाइजेशन ऑफ बार मैग्नेट, लेंथ 5 सेंटीमीटर, क्रॉस सेक्शन एरिया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, द मैग्नेटिक मोमेंटम इज 1 एम्पियर मीटर स्क्वायर। बच्चों, होप है कि ये क्वेश्चन पेपर आप पूरा के पूरा लिख के ले हो, या प्रिंट मार के भी ले सकते हो, नहीं तो स्क्रीनशॉट निकालो और इसके बाद में क्वेश्चन हल करने की कोशिश करो। मैंने चैप्टर भी बताया, अगर आपको कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हो, उसका आंसर मैं श्योरली दूंगा। तो पढ़ाई के लिए और पेपर सॉल्व करने के लिए सबको मेरे तरफ से बेस्ट लक एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।